भी देख लिया, मेहताबे आसमां भी देख लिया, जमीन का चांद भी देख लिया, मेहताबे आसमां भी देख लिया। थक गए हैं किरदार निभाते निभाते, अब हर रिश्ते ने आजमा के देख लिया। बोलो क्षेत्रपाल महाराज की। भाई यहाँ पे बहुत खतरा है, से खतरनाक यहाँ पे है दोस्तों। भाई साहब के 8 बज चुके हैं, पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर में। बोल त्रियुगी नारायण भगवान की जय। श्री केदारनाथ भगवान जी की जय। बोलो श्री त्रियुगी नारायण भगवान जी की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज हमारी तैयारी हो चुकी है त्रियुगी नारायण जाने की। वहाँ हरियाली मेला लगा हुआ है, तो आज और कल वहाँ लास्ट है। आज रात रात्रि प्रोग्राम भी होगा, बहुत सारे पहाड़ी सिंगर भी आएंगे। और इधर मम्मी और साक्षी हैं। मम्मी ने काटा है यहाँ पे मस्त करके खीरा, ये पहाड़ी ककड़ी होती है। इस साइड हमने फैला रखा है झंगोरा और इस पर लग गया सुखसा। ये क्या लग गया इस पर? फफूदी लग गई, बहुत दिन आजकल बारिश ऐसी हो रही है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से। आज का मौसम थोड़ा थमा है, अभी भी रात का भरोसा नहीं है। दादी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बहुत जल्दी बहुत ठंडा लग जाता है। और अभी अभी हम कटाई से दवाई लेके आए हैं। आराम से जाना, ओके, उसके फोन जरूर करना। वहाँ रोड बहुत खतरनाक है, अपना ध्यान रखना। ओके ठीक है साक्षी, बाय बाय। ये जितना भी फैला है सब साफ करना। क्या लाना, इनका भी मन है वैसे आने का। मैंने तो बहुत घूम लिया भाई केदारनाथ में, केदार घाटी में। ये देखिए भाई घर वाले कितना ध्यान रखते हैं, रेनकोट ले जाना बहुत जरूरी है बल मौसम को देखते हुए। क्योंकि अब भैया पैसों का बारिश आ गई, पैसों का लगेगा, पैसे खर्चेंगे। सही बात है, वहाँ वहाँ 250 का मिलता है रेनकोट। ओके रख दिया, ठीक है बैठता। अब नेक्स्ट ट्रिप तो साक्षी के साथ होगी, बहुत दूर जाएंगे हम घूमने के लिए अगले साल। हर साल वैसे ही बोलता हूँ, सच बात है। इस बार रिंकू उधर है भाई, अब ये यहाँ से ऊपर आएगा। ये बड़ी दूर दूर से मुझे पहचान लेता है यार, पीछे जाने वाला है। लगता है हमारे पिछले जन्म की दुश्मनी है। पहुँच चुके हैं दोस्तों सड़क में। आजकल देखो भाई पहाड़ों में कद्दू और लौकी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए दोस्तों चाची ताई लोग भी आ चुके हैं। पहाड़ों में स्ट्रगल बहुत है भाई, सुबह चले जाते हैं फिर दिन के 12-1 बजे आना ही होता है। मुझे भी देर हो सकती है त्रियुगी नारायण जाने में, वहाँ का रास्ता भी बहुत ख़राब है। दोस्तों अगस्त मुनि पहुँच चुके हैं, सबसे पहले बाइक में सर्विस कराते हैं। बहुत लंबा रूट है और बहुत बेकार रूट भी है, तो यहाँ पर चैन सर्विसिंग, हवा भराना, चैन टाइट कराना, सारे काम एक साथ करते हैं। दोस्तों चलते चलते मैं हाड़ गांव के पास मैं पहुंच चुका हूं। ये मेरी सोलो ट्रिप होने वाली है। मैं साक्षी को भी ला सकता था लेकिन वहां की रोड बहुत खतरनाक है, जिस कारण मैंने सोचा अकेले ही चलता हूं। बाकी आसपास के नज़ारे काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। यहां धान की अभी लवाई मंडाई नहीं हुई है, अब शुरुआत हो रही है और हमारे यहाँ फिनिश भी हो चुकी है। यहाँ देखो भाई अभी सारी धान हरी हैं लेकिन काफ़ी गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और आज देखो भाई बादल भी लगे पड़े हैं, ऊपर सूर्य भगवान भी लगे पड़े हैं एक साथ। जय हो। चलते चलते मैं कुंड डैम के पास में पहुंच चुका हूं। यहां से दो रास्ते कटते हैं, एक तुंगनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए। हमें जाना है इस वाले रास्ते पे। आजकल ये रास्ता बंद था लेकिन अभी अभी खुला है 2-3 दिन पहले। और ये है तुंगनाथ और ओमकारेश्वर मंदिर वाला रास्ता। और यहाँ देखो भाई यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस रास्ते नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूसरे रास्ते जाना पड़ेगा। दोस्तों चलते चलते मैं गुप्तकाशी में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से अभी भी हमें 40 किलोमीटर जाना है और अब यहाँ काफ़ी भीड़ लगने लगी है। मतलब जब से चारधाम यात्रा चालू हुई है, बारिश तो हो ही रही है लेकिन उसके साथ साथ भीड़ भी काफ़ी है। यहाँ पर मुझे दीदी जी मिली हैं जो कि त्रियुगी नारायण से ही हैं और हमारी वीडियोज़ भी देखती हैं। इनका ससुराल है त्रियुगी नारायण में, बाकी इनका मायका अगस्त मुनि में है। एक दोस्त और मिली है जिसका नाम है रुचि। दोस्तों यहाँ पे आप जितनी भी भीड़ देख रहे हो ये सारी केदारनाथ धाम यात्रा वाली है और साथ में वहीं से त्रियुगी नारायण भी जाते हैं सभी लोग। केदार घाटी में सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि रोड कहीं कहीं पे तो इतनी बढ़िया है लेकिन जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुआ होगा ना वहाँ पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी रोड पर गाड़ी चलाने के लिए आदमी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और हमारे गाँव की तो रोड ही ऐसी है। दोस्तों रास्ते में चलते चलते ऐसे गजब के और प्यारे से वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। सभी लोग यहाँ पर फोटोशूट करा रहे हैं। ये सिर्फ सावन के महीने में और सितंबर अक्टूबर में ही दिखाई देते हैं, जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है ये गायब हो जाते हैं। और यहाँ बैक साइड देखो भाई लगातार बसें आने जाने पे लगी हुई हैं केदारनाथ धाम में।
मुझे लग रहा है कि मैं जूते बेकार पहन के आया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ गीले ही हो जाएंगे। सच में इस साल केदार घाटी का इतना बुरा हाल है क्या बताएं। शुरू शुरू में जो बजट आया था ना जनवरी में, पूरी रोड पे काम हुआ था, सभी जगह काम हुआ था, बढ़िया बढ़िया लॉज बने थे। लॉज तो सही सलामत है, लेकिन ऊपर गौरीकुंड में बहुत सारे शौचालय ऐसी चीज़ें बनी थी, सारा नुकसान हो चुका है सितंबर आने आने तक। 20 अगस्त के बाद तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हुआ, जिस कारण पूरी घाटी में जितना भी बजट लगा था उससे और ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब उत्तराखंड सरकार घाटे में चली है बहुत ज़्यादा। सीतापुर के पास में ही पहुँचे थे, यहाँ देखो भाई भयंकर वाला जाम लगा पड़ा है, खाली भीड़ ही भीड़, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सबसे खतरनाक यहाँ पे है दोस्तों, भाई साहब खतरनाक जाम लगा है भाई, गाड़ियों के प्राण जा रहे हैं। टक गया दोस्तों, ये ट्रक फंस रहा है, ये ट्रक बार बार फंस रहा है। भाई साहब भाई यहाँ पे बहुत खतरा है, पेटा रुका हुआ। भाई यहाँ पैरों की हालत देखो भाई, सोचा था मस्त करके तैयार होके जाएंगे, बड़ी मुश्किल से जाम खुला है। मैं सोच रहा था पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर भी हमें आधे घंटे का समय लग गया। अब चलते हैं आगे की ओर। चलते चलते दोस्तों हम सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है दीदी जी का होटल, लेकिन दीदी जी होंगी ऊपर ही। दोस्तों चलते चलते मैं सोनप्रयाग में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक कटता है त्रिवेणी नारायण के लिए जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है, और दूसरा कटता है गौरीकुंड के लिए जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। हम जाएंगे अभी त्रिवेणी नारायण, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ में आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जा चुका हूँ। दोस्तों जितनी बेकार यहाँ से ऊपर के लिए सड़क है ना, क्या बताएं भाई, बिल्कुल अजीब ही रोड है, हर बात बात पे जाम लगता है। रात के 8 बज चुके हैं, पहुंच चुके हैं त्रिवेणी नारायण मंदिर में। बोल त्रिवेणी नारायण भगवान की जय। दोस्तों यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पे शिव पार्वती का ब्याह हुआ था, जो कि विष्णु जी के सामने हुआ था, और विष्णु जी ने ही शादी की व्यवस्था की थी। बाकी यहाँ पे हरियाली मेला लगा हुआ है, आज रात प्रोग्राम भी है, तो काफ़ी रौनक है यहाँ पे। अभी आपको मंदिर में नीचे चल के दर्शन कराते हैं बढ़िया से। मैं मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका हूं, इस बार काफी बढ़िया सजाया गया है मंदिर। बढ़िया से हमारे दर्शन भी हो चुके हैं, धीरे धीरे भीड़ लगना भी शुरू हो गई है। बाकी प्रसाद के रूप में मिली है हमें हरियाली, क्योंकि मेला ही हरियाली का लगा हुआ है। बाकी आप सभी पे त्रिवेणी नारायण भगवान की कृपा बनी रहे, आपका पूरा परिवार सही सलामत रहे, और आप लोग भी यहाँ पे आके दर्शन करें। यहाँ पे हमें विनय भाई मिले हैं जो कि यहीं त्रिवेणी नारायण के रहने वाले हैं, काफी पहले से मैं इनको जानता हूँ, और ये बता रहे हैं यहाँ पे जो धुनी जलती है वो सतयुग से जलती है और गांव वाले बुझने नहीं देते हैं। और बाकी यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग आते हैं, पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए, और यहाँ पे उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल थाली भी आ चुकी है, थाली में यहाँ पे आलू मटर है, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे भी दाल है, खाते हैं, भात भी है। अभी दोस्तों बढ़िया से डिनर भी हो चुका है, अब चलते हैं स्टेज प्रोग्राम की ओर। काफ़ी जाने माने सिंगर भी आ रखे हैं,
मुझे पता नहीं है कौन कौन है, गजेंद्र सिंह राणा, हेमा नेगी, करासी मीना राणा, आपको वहीं स्टेज पे चल के बताते हैं। काफ़ी बढ़िया माहौल है इस टाइम का, और आसपास आप गाड़ियां देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है केदार घाटी में। जो लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए आए होंगे ना, तो वो लोग भी आ रखे हैं यहाँ। और अभी हम स्टेज के पास में पहुँच चुके हैं, और यहाँ देखो भाई क्या ही तगड़ी भीड़ लगी हुई है। बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो क्षेत्रपाल महाराज की। बोले बदन पंख कटिया पर्वत उड़ी नहीं सकदन, बचले नहीं सकती लाठी घाटी, ढूंगा पणवा पणिकिन चक ऋषि मुनि आहा, कद का पवित्र ची हमारी केदार घाटी, तिरुगी नारायण की माटी। नाथ रुद्रनाथ कल्पेश्वर केदारनाथ मधमेश्वर, राज रक्षा मुल्क मेरू, राज रक्षा गांव, तुम पर चास विश्वास कुल का देवताओं, और जस कुशल ज्ञान प्रभु पहाड़ों में बसाचा, केदार घाटी तिरुगी नारायण में बसाचा। चांद भी देख लिया, मेहताबे आसमां भी देख लिया, जमीन का चांद भी देख लिया, मेहताबे आसमां भी देख लिया, थक गए हैं किरदार निभाते निभाते, अब हर रिश्ते ने आजमा के देख लिया। एक रिश्ता ऐसा ही हमारा भी है, एक रिश्ता हमारा सबका हमारे वाहन चालकों के साथ है, और नेगी जी के साथ है जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा है हमारे वाहन चालकों के लिए। उस गीत को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ भी कमी होगी त्रुटि होगी मैं आपसे माफी गुंजाइश करता हूँ। ये मोटरी कुछ मोटरी कुछ मोटरी तुफानू इटले बड़ी गले नरे इटले बड़ी गले नरे लगा सके और लगा सके
नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री केदारनाथम प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सहितम कुरिया सदा मंगलम। बोलो श्री केदारनाथ भगवान जी की, बोलो श्री त्रियोगी नारायण भगवान जी की, बोलो श्री क्षेत्रपाल महाराज जी की। आवाज कम होनी वा तुम्हारे आज, आज भीड़ ज्यादा थी, आवाज कम की दूड़ी सभी लोग तो भी यो बात बताऊ। ये टाइम पर प्रधान में सिर्फ यो मोहर चे आप कभी भी पता कर लिया, चाहे आप सूचना अधिकार से आप पता कर लिया कि प्रधान में सिर्फ एक मोहर चे वो मरी को बचो चे खाली सो प्रमाण पत्र दो, ते का अलावा कुछ नहीं, ते का अलावा यो चीज नहीं। मैं हम आज तुम झूठ नहीं बनू पता कर दे। अतिथि अभी हमारे सम्मानित नेता गण छे, मैं उम्मीद कर दो कि आप हमारे मन की भावना तो समझला। फोन प्रयाग में कोई भी नेता खड़ू नहीं बन, देश में उन्हें तो गरीब आदमी में हाथ जोड़ दे के हमारा ना थोड़ा नेपाल तो खुलेआम चुड़ू, जम्मू कश्मीर घोड़ा खच्चर तो खुलेआम चुड़ू, खच्चर चिंता आराम से बांधू छो ते तक कुछ सड़क चढ़ दो पलिते रखा जा। हम जम्मू कश्मीर में जब आपने खेली खोल डाला कभी ना, हम पता था हिम्मत है नहीं, बिहार उत्तर प्रदेश हो ये तो यह कूनो करा कोई बात नहीं, भारत में जीनो अधिकार सब तो अच्छे सब जग हर कोई रह सकते, लेकिन इस स्थानीय लोगों तो भी तो कुछ और जान। हम हमें तो लड़ रहे कि ना पार्किंग या ना वो अब सोन रिया गण वो एक बात मैं आप लोग तो बोल जानू कि जब सोन प्रयाग ना मीटिंग में ना मीटिंग में बड़ा बड़ा मतलब नेता लोग ना अधिकारी लोग ना प्रधान तक कभी नहीं पहुंचता, और जब कहो घोड़ खचर मार दे जब प्रधान में पंच नाम लिया प्रधानों की तो कोई सोच। फाइनली आपने बहुत टाइम बाद लंबे समय बाद अनूप सेमवाल भाई को देखा होगा, तो आज उन्होंने क्या मस्त गाना गाया, काफ़ी हैंडसम लुकिंग लग रहे थे वो। बाकी प्रियंका दीदी ने जो बात बोली वो काफ़ी सही बोली, सभी लोग दीदी को सुनाते थे चाहे गांव के हो चाहे बाहर के हो कि गांव में सड़क क्यों नहीं आई है, और दीदी ने ये प्रस्ताव काफ़ी टाइम से बाहर भेज रखा था नेताओं को, लेकिन नेता सुनते ही नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ भाषण देते थे। आज दीदी ने इतना कस के सुनाया ना जितने भी नेता यहाँ पे बैठे हुए थे कि तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती है। तो बात भी सही कहा दीदी जी ने कि नेता लोग आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं, हमारे गांव में भी ऐसी बात 10-12 साल पहले सड़क आई थी और हमेशा नेता लोग आते हैं झूठे वादे करके चले जाते हैं, बट इस बार जनता ने बढ़िया से पकड़ लिया था और इस बार हमारे गाँव में डामरीकरण होगा मतलब सड़क पर 10-12 साल बाद, तो काफ़ी टाइम लगा भाई, हमेशा झूठी घोषणा करते थे और इस बार दीदी ने इतना खतरनाक सुनाया है नेता लोगों को क्या बताएं। अगर वो हिंदी में बोलती तो आप लोग भी चौंक जाते कि भाई ऐसा वैसा सब कुछ, सारी बात लाश में प्रधान पे आ जाती है चाहे छोटी छोटी है। तो सही बात है भाई, गांव में प्रधान होना बहुत मतलब कि पहले की तरह नहीं रह गया है, अब बहुत कठिन हो गया है, लोग हर बात प्रधान पे ही लाते हैं। करते होंगे नेता लोग घोषणा करते होंगे, अरे जिन्होंने यहाँ से घोषणा की है मैं आपको बताते हैं, जो घोषणाएं हमने की है यहाँ से आ करके वो घोषणाएं हमने लगभग पूरी कर दी है, अगर 100% नहीं की होंगी तो 80% हमने वो घोषणाएं पूरी की है, ठीक है। अगर नहीं हुई है मैं आपको वचन देता हूँ इस बात का, मैं आज बाबा नारायण की कसम खा के कह रहा हूँ उन घोषणाओं को हम पूरी करवाएंगे, ठीक है। अरे बहुत जल्दी सब आपके बीच में आऊंगा, दिनेश पुनिया नाम है मेरा, आपके बीच का हूँ क्यों गाँव का, दोबारा तब आपके बीच में आऊंगा जब तुम्हारी सारी घोषणाएं पूरी होंगी। ये दीदी की बात सुन ली इन्होंने, इससे वोट से कोई मतलब नहीं है हमारा। Yeah.
वापिस से रूम में पहुंच गया हूं। अभी तक दीदी जी ने जो भाषण दिया था ना उसका असर होने लगा है। सभी नेता लोगों ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम हम तभी आएंगे जब तक वादा पूरा नहीं किया, तो वो पहले वादा पूरा करेंगे और उसके बाद ही गाँव में आएंगे। मतलब कोई सा भी फंक्शन होगा सभी नेता लोगों ने वादा किया है, ये बात बढ़िया है भाई। अपना पक्ष रखना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है ऐसे टॉपिक पे। बाकी आप सभी से विदा लेते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कल वाला ब्लॉग मिस ना करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।